नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र लाहिड़ी के 25 वर्ष के जीवन सफर का, क्योंकि आज ही के दिन राजेंद्र लाहिड़ी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। आइए उनके जीवन परिचय पर एक चर्चा करते हैं। राजेंद्र लाहिड़ी का जन्म बंगाल के पबना जिले के मड़िया मोहनपुर गाँव में 29 जून 1901 को हुआ था। उनके पिता का नाम क्षितिमोहन लाहिड़ी तथा माता का नाम बसंत कुमारी था। उनके जन्म के वक्त पिता व बड़े भाई बंगाल में चल रही अनुशीलन दल की गुप्त गतिविधियों में योगदान के आरोप में सलाखों के पीछे कैद थे। दिल में राष्ट्रप्रेम की चिंगारी को लेकर मात्र 9 वर्ष की आयु में ही वे बंगाल से अपने मामा के घर वाराणसी में पहुँचे। वाराणसी में उनकी शिक्षा दीक्षा सम्पन्न हुई। काकोरी कांड में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया था और उसी दौरान लाहिड़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विषय के एमए प्रथम वर्ष के छात्र थे। देशभक्ति तथा निर्भीकता की भावना विरासत में मिली थी। लाहिड़ी धार्मिक नगरी पढ़ाई करने गए थे, लेकिन संयोग से वहां पहले से ही निवास कर रहे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ शान्याल के संपर्क में आ गए। राजेंद्र की फौलादी देश प्रेम, भक्ति तथा आज़ादी के प्रति दीवानगी के गुणों को देखकर शचीन्द्रनाथ ने उन्हें अपने साथ रखकर बनारस से निकलने वाली पत्रिका बंगवाणी के संपादन की जिम्मेदारी देने के साथ ही अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा के सशस्त्र विभाग का प्रभार भी सौंपा। उनकी कार्य के प्रति निष्ठा को देखते हुए उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गुप्त बैठक में आने का आमंत्रण भी मिला। पठन पाठन की अत्यधिक रुचि एवं बंगला साहित्य के प्रति स्वाभाविक प्रेम के कारण लाहिड़ी अपने सगे संबंधियों तथा भाई के साथ मिलकर अपनी माता की स्मृति में बसंत कुमारी नाम का एक पारिवारिक पुस्तकालय स्थापित कर लिया था। काकोरी कांड में गिरफ्तार हुए तब उस समय वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बंगला साहित्य परिषद के मंत्री थे। इनके लेख बंगला के बंगवाणी और शंख तथा अन्य पत्रों में छपा करते थे। राजेंद्र लाहिड़ी बनारस के क्रांतिकारियों के हस्तलिखित पत्र अग्रदूत के प्रवर्तक थे। इनका लगातार प्रयास रहता था कि क्रांतिकारी दल का प्रत्येक सदस्य अपने विचारों को लेख के रूप में दर्ज करे। फिरंगी सैनिकों की कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि राजेंद्र लाहिड़ी का सामना करें। 9 अगस्त 1924 की शाम को सहारनपुर से लखनऊ आने वाली ट्रेन 8 डाउन ट्रेन पर क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने अशफाकुल्ला खान तथा चंद्रशेखर आज़ाद एवं अन्य 6 सहभागियों की मदद से धावा बोल दिया। कुल 10 युवकों ने ट्रेन में जा रहा सरकारी खजाना लूट लिया। बम बनाने के जुर्म में लाहिड़ी कारावास भी गए थे। काकोरी कांड के बाद बिस्मिल ने लाहिड़ी को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया और बंगाल भेजा। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी कलकत्ता गए। वहाँ दक्षिणेश्वर में उन्होंने बम बनाने का सामान इकट्ठा किया। अभी तक वे पूरी तरह प्रशिक्षित भी नहीं हो पाए थे कि साथी की असावधानी से एक बम फटने से मृत्यु हो गई। उसका धमाका सुनकर वहाँ पुलिस आई। कुल 9 साथियों के साथ लाहिड़ी भी पकड़े गए। उन पर मुकदमा कायम हुआ तथा उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई और अपील पर यह सज़ा 5 वर्ष की हुई। ब्रिटिश राज ने दल के सभी प्रमुख क्रांतिकारियों पर काकोरी कांड के नाम से मुकदमा दायर करते हुए सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने तथा खजाने को लूटने का न सिर्फ आरोप लगाया गया बल्कि झूठी गवाहियां एवं मनगढ़ंत प्रमाण पेश कर उन्हें सही साबित कर दिया गया। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को काकोरी कांड में शामिल करने के लिए बंगाल से लखनऊ लाया गया। तमाम अपीलों एवं दलीलों के बावजूद सरकार टस से मस न हुई। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, एक साथ 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी से डरकर फिरंगियों ने अन्य क्रांतिकारियों से 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के जिला कारागार में उनको फांसी दे दी गई तथा वे देश के लिए शहीद हुए। लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने एक बात कही कि मैं मरने नहीं जा रहा, मैं आज़ाद भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। प्राइम न्यूज 24 के लिए गोंडा से अमरेश प्रजापति की एक खास रिपोर्ट।